Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Vyanate Health. दोस्तों बदलते सीजन में जरूरी है कि खाने की आदतों में भी बदलाव लाया जाए। मौसम के मुताबिक मिलने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना केवल हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं बल्कि आपको हेल्थ की कई प्रॉब्लम से दूर रखते हैं। इसलिए रोजाना इनका सेवन आपको कई तरह के फायदे देता है। गर्मी जा चुकी है और सर्दी की हल्की ठंडक दस्तक दे रही है। गर्मी और सर्दी दोनों के खाने में कुछ फर्क होता है, तो आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में आप अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। नंबर एक, प्रोटीन। दोस्तों कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और इसके कई कारण हैं, और ऐसा होना कई रोगों को दावत देता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप अपना कर अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप नियमित रूप से भोजन करें और अपने खाने में अधिक से अधिक प्रोटीन शामिल करें। ये आपके मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। मूंगफली भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है। दरअसल इसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप रोजाना 5 से 6 दाने अगर मूंगफली के खाएंगे तो आपकी त्वचा ड्राई नहीं होगी। इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है जो ब्रेन को एक्टिव रखने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप 200 ग्राम मूंगफली रोजाना लेते हैं तो इससे आपको 50.5 ग्राम प्रोटीन, 80.6 ग्राम फैट, 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 80 ग्राम कैलोरी और 18.6 मैग्नीशियम आयरन मिलेगा। नंबर 2, साबुत अनाज का करें सेवन। दोस्तों आजकल मैदा जैसे रिफाइंड अनाज का चलन बढ़ चुका है। ये आपके शरीर को बीमार बना सकता है। इसके बजाय आपको साबुत अनाज चुनना चाहिए क्योंकि ये विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है जो कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है और हृदय की समस्या के साथ साथ मोटापे और डायबिटीज के जोखिम को कम करता है। नंबर 3, आंवला भी है गुणकारी। दोस्तों आंवले में कई ऐसे पोषण तत्व पाए जाते हैं जो बदलते मौसम में आपको बेहद फायदा देते हैं। इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी जहां बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है तो वहीं इसमें पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में मौजूद केमिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ ये एनीमिया की भी बीमारी से बचाता है। 50-50 ग्राम के 2 आंवले अगर आप रोजाना खाते हैं तो आप 0.5 ग्राम प्रोटीन, 13.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 58 ग्राम कैलोरी, 1.2 मिलीग्राम आयरन आप पा सकते हैं। नंबर 4, गाजर। दोस्तों गाजर विटामिन बी का अच्छा सोर्स है। इसमें नेचुरल शुगर पाया जाता है। इस मौसम में होने वाले नाक, कान, गले में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए गाजर या इससे बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। आप इसे सलाद के तौर पर खा सकते हैं, गाजर का हलवा बनाकर खा सकते हैं, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।